खुशामदीन अब हम बात करेंगे 45 45 और 90 वाली ट्रायंगल पे यानी कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें कि दो एंगल्स यानी दो जाविया 45 45 के और एक डिग्री जाविया जो जाविय है जाविय वो 90 डिग्रीज का हो यानी कि ये एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि दो एंगल जो है वो 45 का और राइट एंगल का मतलब होता है नब्बे डिग्री वाला एंगल यानी कि नब्बे दर्जे वाला तो अब ऐसे किसी भी ट्राइंगल के बारे में ये बड़ी कुछ की, कुछ खास बातें होती है दूसरी ट्राइंगल से होती है और बुनियादी तौर पर यह आइसोसलिस ट्राइंगल होती है जो कि जिसके बारे में हम पिछली कुछ वीडियोज में देख चुके हैं कि आइसोसलिस ट्राइंगल में क्या होता है कि दो अगर हमारे पास बेस एंगल्स जैसे कि ये एक ट्राइंगल है इसमें अगर हमारे पास दो बेस एंगल्स एक जैसे हो यानी कि उनकी पैमाइश बराबर हो तो उनके अपोजिट साइड्स यानी कि वो साइड जो कि वो शेयर ना कर रहे हो आप बेस एंगल से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ नीचे की तरफ हो बल्कि इस तरह से उल्टी भी ट्राइंगल हो सकती है तो जो एक साइड पर तो दो एंगल्स बन रहे हैं तो उनके अपोजिट साइड्स यहां पर बराबर होंगी और ये साइड्स है ये आपस में बराबर होंगी सूरत में जबकि दो एंगल्स आपस में बराबर होंगे और उनके मुखालिफ यानी कि अपोजिट साइड जो आपस में बराबर होंगी एक बात तो यह आ गई तो यहां पर हमारे पास जो एक एंगल जो ये आपस में जो इन दो एंगल से हटकर है वो नब्बे डिग्री का है ये मैं अब बनाने जा रहा हूं राइट एंगल ट्राइंगल या यूं कहें कि मैं एक ये ये मैंने कुछ थोड़ी सी टेढ़ी करके बनाई है ये, ये जो है हाइपॉटोनियस है हो सकता है आपको ये राइट right एंगल ना लग रही हो और राइट एंगल ट्राइंगल ना लग रही हो लेकिन बहरहाल ये समझ लीजिए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये जो एंगल है ये और ये ये दोनों के दोनों एंगल्स हैं 45, 45 डिग्रीज के यहां मैं कहता हूं कि ये दोनों के दोनों एंगल्स एंगल है वो आपस में बराबर हैं और इन दोनों में से हर एंगल जो है वो एक्स है तो जो हमें पता है कि प्लेनर ज्योमेट्री में जब हम तीन किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जमा करते हैं तो उनका सम आपस में बराबर होता एक 180 तो दो है एक डिग्रीज के तो यहां पर दोनों दो एंगल्स एक्स एक्स है एक नाइनटी है ये बराबर हो जाएगा टू वन एट्टी तो टू हमारे पास बराबर हो जाएगा नब्बे दर्जा के माइनस हो जाएगा नब्बे के बराबर और एक्स हो जाएगा फोर्टी यानी कि ये दोनों के दोनों एंगल्स जिनको हमने बेस एंगल्स भी कहा था अभी की मिसाल पे बात करते हुए ये दोनों के दोनों एंगल्स दरअसल 45 45 डिग्री यानी कि 45 45 दर्जे के जाविये हो जाएंगे और साथ ही साथ इनकी अपोजिट साइड्स जो हैं उनकी लंबाइयां भी आपस में बराबर हो जाएंगे मैं स्क्रीन क्लियर करता हूं और अब जैसा कि हमने बात की कि अभी ये ये मैं एक और फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव नाइनटी राइट right एंगल बना रहा हूं और ट्राइंगल uh, right, uh, बना रहा हूं जो कि जाहिर ज्यादा राइट एंगल ट्राइंगल ही होगी क्योंकि राइट right एंगल का मतलब ही एक, एंगल 90 डिग्री का होता है तो ये दोनों के दोनों एंगल्स 45 के हैं अगर चाहे ये अप टू द स्केल नहीं बना यानी कि ये ट्राइंगल सही तौर पर नहीं बनी लेकिन फिर भी ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होगी बाय द डेफिनेशन ऑफ आइसोसलिस्ट ट्राइंगल अब हम यहां पर क्या करेंगे हम मसला फीसा गौरस यानी कि पैथागोरियन थियरम इस्तेमाल करेंगे और ियस ये वाली साइड है क्यों है इसलिए कि हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि 90 डिग्री के एंगल से अपोजिट जो भी साइड होती है वो कहलाती है और उसके साथ जो जुड़ी हुई साइड्स होती हैं उनको हम बेस और वर्टिकल कहते हैं तो अब जो है ये बेस और परपेंडिकुलर कहते हैं तो ए बी सी हमने पिछले उसमें किया था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू तो सी स्क्वायर ये बहुत ही बुनियादी सा पैथागेरियन थ्योरम है अब आइए क्योंकि ए की लंबाई और बी की लंबाई आपस में बराबर है क्योंकि ये 45-45-90 ट्रायंगल है तो मैं ए की जगह बी या बी की जगह ए रख सकता हूं तो मैं एक ही जगह बी को सब्सटीट्यूट कर रहा हूं यानी कि एक साइड को दूसरी साइड की जगह सब्सटीट्यूट कर रहा हूं क्योंकि दोनों की लंबाइया बराबर है तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू सी स्क्वायर टू बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यहां तक तो बात आपकी समझ में आ गई अब मैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर टू ओवर ओवर ये मेरे सामने आ जाएगा अब जब मैं दोनों साइड से रूट लूंगा तो ये हो जाएगा बी टू सी स्क्वायर होल स्क्वायर का मैंने स्क्वायर का मैंने स्क्वायर रूट लिया होल स्क्वायर रूट सी आ जाएगा और डिनोमिनेटर में ये टू आ जाएगा अब बड़ी अजीबोगरीब गरीब बात है जिसकी वजह मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि जितने भी मैथमेटिक्स के लोग हैं उन्हें ये ये बात पसंद नहीं है कि डिनोमिनेटर में कोई इैशनल नंबर या अंडर रूट वाली कोई क्वांटिटी रखी जाए तो वो क्या करते हैं वो वो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं अगर आपके बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टू लिखा हुआ हो तब भी ये जवाब बिल्कुल सही है लेकिन अब मैथमेटिक्स वालों की आदत है वो डिनोमिनेटर में इन रैशनल नंबर या स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई कोई भी क्वांटिटी उनको पसंद नहीं आती तो वो क्या करते हैं वो एक काम करते हैं जिसको कहते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर अच्छा याद रखिए रैशनल नंबर जो होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते और उनमें कभी भी आपको रिपीटिंग पैटर्न भी नहीं मिलता तो अब हम इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर को तो सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टू मैंने मैं क्या करूंगा मैं डिनोमिनेटर की जो क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा क्योंकि स्क्वायर रूट टू ओवर स्क्वायर रूट टू वन होता है और वन को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये हमारी एक टेक्निक होती है एक जुगाड़ एक तिगड़म होती है तो स्क्वायर रूट जो डिनोमिनेटर में वो तो टू हो जाएगा दोनों के दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे स्क्वायर रूट तो ये टू स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और ऊपर मेरे पास क्या चीज रह जाएगी ये स्क्वायर रूट ऊपर मेरे पास आएगा सी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ टू इस तरह मैंने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया तो अगर कहीं एग्जाम में आपके सामने सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टू लिखा हुआ आ जाए या सी स्क्वायर रूट टू ओवर टू लिखा है दोनों एक ही क्वांटिटीज हैं दोनों में कोई फर्क नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक में जो है वो इैशनल डिनोमिनेटर और दूसरे में हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया है तो ये जो चीज़ है ये मल्टीपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह में भी बहुत आती है तो आप जवाब को सही करने के लिए आप चाहे तो ये कार्रवाई कर सकते हैं ये आपके काम आएगी अगर इसका बड़ा रास्ता लुक ट्रिगोनोमेट्री से नहीं है अब हम अपने प्रॉब्लम की तरफ वापस आते हैं तो ये जो चीज है ये b is equal to c ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 या c स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 ये हमारे पास b की क्वांटिटी यानी कि किसी भी 45 45 90 ट्रायंगल में a बराबर होता है b के और b बराबर होता है स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 टाइम्स c के ये बहुत ही बुनियादी खासियत है और यहां पर हमने एसोसलिस और राइट एंगल की प्रॉपर्टीज को एक साथ इस्तेमाल करते हुए ये मसला ये कि ये जवाब हमने हासिल किया है और हाइपर्टिनियस मालूम करने के लिए हमेशा याद रखिए कि हाइपर्टिनियस जो है वो नब्बे डिग्री के एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है और बाकी जो होते हैं वो ए और बी जो छोटी साइड होती हैं तो ये बात आप चाहें तो आप जहन में रख लीजिए <coughs> सॉरी ये याद रखिए आप इसको तो आप हाइपोटनिस की मदद से बहुत तेजी से मालूम कर सकेंगे अब मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ और एक प्रॉब्लम करने की कोशिश करता हूँ लेकिन सबसे पहले ए इज इक्वल टू बी यानी ए बराबर है बी के और बी ये सब किसके बराबर है टू स्क्वायर रूट टू ओवर टू स्क्वायर रूट टू ओवर टू टाइम्स सी अब मेरे पास ये एक अदद राइट ट्राइंगल है यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि ये मेरे पास 90 डिग्रीज का है ये 45 फाइव डिग्रीज का एंगल है और ये मेरा है एक साइड की जो लेंथ मुझे दी गई है वो है फर्ज कर लीजिए आठ मुझे बताया गया कि इसकी लंबाई है और मुझे मालूम करना है, है की लंबाई कितनी यानी कि जिसे हम पैथागर थ्योरम में अब तक सी कहते हुए आए हैं तो हाइपोटनियस है यही है क्यों है इसलिए कि यह नब्बे डिग्री के एंगल के बिल्कुल अपोजिट वाला है और ये है, है लिहाजा हम इसको सी कह देंगे अब ये एंगल 45 का है एक एंगल हमें पता है राइट एंगल है क्योंकि राइट ट्राइंगल है तो ये भी 45 का होगा और क्योंकि ये 45, 45, 90 बन है लिहाजा जो लंबाई आठ वाली साइड की है वही लंबाई दूसरी साइड की भी होगी यानी कि दो साइड हाइपटनिस के अलावा बाकी की दो साइड आपस में बराबर होगी तो आठ बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट टू ओवर टू टाइम्स सी अभी मुझे सी नहीं मालूम तो आठ अब मैं दोनों साइड्स को स्क्वायर रूट ऑफ टू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टू से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड को टू स्क्वायर रूट ऑफ टू तो ये मेरे पास हो जाएगा ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये टू टू से कैंसिल अब मेरे पास जो क्वांटिटी बचेगी ये वो क्या होगी वो मेरे पास हो जाएगा ये आठ दो सोलह सोलह बटे <coughs> दो का मुरबा <coughs> दो का जजरुल मुरब्बा तो c इज इक्वल टू सिक्सटीन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टू अब मैं एक बार फिर डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन करूंगा सिक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ अब मैं एक बार फिर इसको स्क्वायर रूट टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा एक बार फिर स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा टू हो जाएगा जब मैं इसको टू से टू डिवाइड करूंगा तो ये रह जाएगा आठ एट टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ टू और ये लंबाई है हाइपाटनिस जिसको हमने पैथागेरियन थ्योरम में सी का नाम दिया था तो एट स्क्वायर रूट ऑफ टू हमें उसकी लंबाई हासिल हो गई ये हमने आपने देखा कि फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव नाइनटी ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हुए हमने कितनी आसानी से हाइपोटे की लंबाई मालूम कर ली और कितनी सादगी के साथ अपना इस सारे का सारा काम कर लिया बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगी और कुछ आपके काम भी आएगी बहुत बहुत शुक्रिया